नमस्कार। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एकलेसिया कार्डिया के बारे में, इस बीमारी के कुछ बुनियादी और मौलिक जानकारी के बारे में, इस बीमारी से पीड़ित दर्दियों की तकलीफों के बारे में और इसके निदान के लिए जरूरी जांच और टेस्ट के बारे में। एकलेसिया कार्डिया एक अनूठी समस्या है जिसमें मरीजों को खुराक और प्रवाही निगलने में दिक्कत होती है। ज्यादातर ये 25 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के मरीजों में देखने को मिलती है, पर कई बार ये समस्या बच्चों में भी होती है। एकलेसिया कार्डिया में अन्ननली के चेतापोष यानी कि नर्व सेल्स का किसी अज्ञात कारणवश नाश होता है। एकलेसिया कार्डिया में क्या होता है ये जानने के लिए पहले आइए ये जानते हैं कि खुराक निगलने की नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया कैसी होती है। जब भी एक आम इंसान खुराक निगलता है तब उसके अन्न नली के स्नायु लयबद्ध तरीके से संकोचन विस्तरण करते हैं, जिसके मदद से निगला हुआ खुराक अन्न नली में नीचे की ओर आगे बढ़ता है। इस संकोचन विस्तरण को पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। खाने के निगलने के साथ अन्न नली के निचले हिस्से में आया हुआ एलियस वाल्व सुस्त यानी कि रिलैक्स होता है और वाल्व के खुलते ही खुराक अन्न नली में से जठर के अंदर प्रवेश करता है। खुराक के जठर में पहुंचते ही एलियस वाल्व फिर से चुस्ती से और मजबूती से बंद हो जाता है ताकि निगला हुआ खुराक और जठर में बना हुआ एसिड वापस ऊपर अन्न नली की तरफ नहीं आता है यानी कि रिफ्लक्स नहीं होता है। एसिड रिफ्लक्स अन्न नली में डैमेज करता है, वहां पे अल्सर्स बनाता है जिसकी वजह से मरीज को हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन महसूस होती है। इसी वजह से एलियस वाल्व का कार्य बेहद महत्वपूर्ण होता है। एकलेसिया कार्डिया में अन्न नली के चेतापोषों का नाश दो मुख्य समस्या खड़ी करता है जो खुराक निगलने में अवरोध पैदा करता है। पहला, अन्न नली के स्नायुओं का संकोचन विस्तरण यानी कि पेरिस्टाल्सिस उचित तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से निगला हुआ खुराक उचित गति से और उचित तरीके से अन्न नली में आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता। दूसरा, खुराक निगलने के साथ एलियस वाल्व जो रिलैक्स और सुस्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। बंद वाल्व खुराक निगलने में अवरोध पैदा करता है और खाने को अन्न नली से जठर में जाने से रोकता है। समय के साथ अन्न नली का वाल्व के ऊपर का हिस्सा चौड़ा हो जाता है और भारी मात्रा में खाना प्रवाही और लार उसमें जमा होते हैं। एकलेसिया कार्डिया में दर्दी को क्या तकलीफ होती है, एकलेसिया कार्डिया के लक्षण क्या होते हैं? एकलेसिया कार्डिया में दर्दी की मुख्य तकलीफ होती है खाना निगलने में अटकन महसूस होना और खाते समय तकलीफ होना। उनको ये महसूस होता है कि निगला हुआ खुराक और प्रवाही सीने में ही अटका और फंसा पड़ा है। इसकी वजह से खाते समय कई बार सीने में दर्द भी होता है। जब मरीज लेटता है तो सीने में फंसा हुआ खाना और पानी कई बार वापस ऊपर गले या मुंह तक आता है। इसीलिए कई बार नींद में खांसी होना या नाक में से पानी निकलने की समस्या भी होती है। अन्न नली में फंसा हुआ खाना वहां पे अल्सर्स करता है जिसकी वजह से हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन भी होती है। वेट लॉस यानी कि वजन में कमी भी एकलेसिया कार्डिया में काफी सामान्य रूप से देखने को मिलती है। यह समस्या काफी धीरे धीरे से आगे बढ़ती है और इसीलिए कई मरीजों में जब तक समस्या काफी बढ़ नहीं जाती है तब तक कभी भी सलाह नहीं ली जाती है। कुछ मरीज खाने की गति कम करके समस्या से लड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ मरीज खाना निगलते समय गर्दन ऊपर करके या कंधे पीछे करके खुराक निगलने की कोशिश करते हैं। एकलेसिया कार्डिया के दर्दियों में अन्न नली का कैंसर होने की संभावनाएं एक आम इंसान से ज्यादा होती है
और इसीलिए इस बीमारी का समय पर उचित इलाज करना और एक अच्छा फॉलोअप रखना बेहद आवश्यक होता है। निदान, एकलेसिया कार्डिया के लक्षण कई बार पाचन तंत्र के कई और समस्या से मिलते जुलते होते हैं और इसीलिए कई बार निदान में विलंब होता है या गलत निदान भी होता है। खुराक निगलने की समस्या से पीड़ित दर्दियों के लिए शुरुआती तौर पर अपर जीआई एंडोस्कोपी और बेरियम या डाई स्वॉलो स्टडी उचित जांच होते हैं। अपर जीआई एंडोस्कोपी आपकी अन्नली और जठर की अंदर से जांच करने के लिए डॉक्टर एक लाइट और कैमरा से सज पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब आपके मुंह और गले से अन्नली के अंदर उतारते हैं। एकलेसिया कार्डिया के मरीजों में अन्नली के अंदर भारी मात्रा में खुराक और प्रवाही जमा पाया जाता है। एंडोस्कोप के पसार होने के लिए एलईएस वाल्व भी नॉर्मल इंसान की तरह एकलेसिया के मरीजों में नहीं खुलता है। एंडोस्कोपी करने का मुख्य उद्देश्य होता है ये जानना कि खुराक निगलने की समस्या कहीं अन्नली में गठान यानी कि ट्यूमर, सीवियर अल्सर्स या फॉरेन बॉडी फंसने की वजह से तो नहीं है। बेरियम स्वॉलो स्टडी, इस जांच के अंदर बेरियम नाम का गाढ़ा सफेद प्रवाही या डाई नामक पतला पानी जैसा प्रवाही आपको पिलाया जाता है और उसी समय एक्सरेज लिए जाते हैं। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मशीन के अंदर इस प्रवाही को आपके अन्नली से जठर तक जाते हुए देख सकते हैं। एकलेसिया कार्डिया के मरीजों के एक्सरे के अंदर बेरियम का अन्नली के अंदर अटकना और वहां पे जमा होना, अन्नली का चौड़ा होना और अन्नली का निचला हिस्सा सिकड़ना पाया जाता है, जो दर्शाता है कि निगलने के साथ एलईएस वाल्व खुल नहीं रहा है। ये जांच विश्वसनीय होने के बावजूद एकलेसिया के कुछ मरीजों में एक्सरेस के ये लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, खासकर बीमारी के शुरुआती दिनों में जब अन्नली ज्यादा चौड़ी ना हुई। इसोफेजियल मैनोमेट्री, इसोफेजियल मैनोमेट्री फाइनल कंफर्मेटरी टेस्ट है जो एकलेसिया कार्डिया के निदान की पुष्टि के लिए आवश्यक है। इस जांच के अंदर खुराक निगलने के समय पे अन्नली के स्नायु का संकोचन, संकोचन की तीव्रता और एलईएस वाल्व के शुष्क होने की मात्रा को नापता है। बीमारी के शुरुआती दिनों में जब अन्नली ज्यादा चौड़ी नहीं हुई होती है तब मैनोमेट्री ही है जो एकलेसिया का अच्छे से निदान कर पाता है। मैनोमेट्री एकलेसिया के प्रकार यानी कि टाइप तय करने में भी मदद करता है। इलाज का परिणाम एकलेसिया के टाइप पे निर्भर रहता है। इस तरह मैनोमेट्री एकलेसिया कार्डिया के इलाज का सही विकल्प ढूंढने में और उसके परिणाम का अनुमान लगाने में भी मदद करता है। आशा रखता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने समस्या को समझने में मदद मिली होगी। आप हमारे दूसरे वीडियो जो एकलेसिया कार्डिया के इलाज के विकल्पों के बारे में और इसोफेजियल मैनोमेट्री के बारे में है वो भी देख सकते हैं।